हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे प्रॉब्लम का सलूशन। प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पे गिवन है, चलिए प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। यहाँ प्रॉब्लम है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू। तो हमें सर्किल का एरिया फाइंड आउट करना है, जो कि सर्किल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू। तो चलिए देखते हैं कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ सर्किल, यहाँ पे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू। अब देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी फंक्शन होता है y इक्वल टू एफ एक्स और वो x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, लाइन x इक्वल टू ए टू लाइन x इक्वल टू बी से वो घिरा होता है, तो उसका एरिया होता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको ड्रा करें, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, अगर हम इसको ड्रा करते हैं तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होगी और हमें फाइंड आउट करना है वाई एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वाई इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इक्वल टू टू इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट टू। तो ये सर्किल का इक्वेशन है, इसमें अगर ध्यान से देखें तो ये इसमें क्या है, सेंटर जीरो कामा जीरो है और रेडियस क्या है, रूट टू। अगर हम सर्किल का इक्वेशन यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे सर्किल का जो फिगर है नहीं है, यहाँ पे देख नहीं है, यहाँ पे देखिए हम रैंडमली बना दे रहे हैं, माइनस रूट टू से रूट टू है और ये सेंटर कहाँ पे है, जीरो कामा जीरो पे है। तो देखिए, अब x की वैल्यू आ गई माइनस रूट टू और प्लस रूट टू, तो इसका एरिया को क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से माइनस रूट टू से रूट टू हम लेंगे तो ये सिर्फ अपर पार्ट आएगा, हमें नीचे वाला पार्ट यहाँ पे भी लेना है, तो इसके लिए हम ट्वाइस कर देंगे, ट्वाइस ऑफ माइनस रूट टू से रूट टू और यहाँ पे आ जाएगा वाई डी एक्स। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, तो यहाँ से एरिया इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ माइनस रूट टू से और रूट टू। वाई की वैल्यू यहाँ पे देखिए, वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ वाई की वैल्यू है अंडर रूट टू माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम वाई की वैल्यू पुट कर देंगे अंडर रूट टू माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स। अब देखिए, माइनस जब कोई लिमिट होती है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स एंड डी एक्स, तो यहाँ से हम वैल्यू आ जाएगी टू इंटू टू, ये हो जाएगा जीरो टू रूट टू अंडर रूट टू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ से हो जाएगा फोर, ये हो जाएगा जीरो टू रूट टू अंडर रूट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब यहाँ से इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट करने के बाद फोर और ये आ जाएगा एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू होता है, तो ए की वैल्यू है रूट टू, तो ये हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर बाई टू और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई एक, ए की वैल्यू क्या है रूट टू, तो आ जाएगा यहाँ पे जीरो टू, लिमिट हम रख देंगे यहाँ जीरो टू रूट टू, ये आ जाएगा फोर। अब सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे रूट टू, तो यहाँ पे देखिए रूट टू अपान रूट टू अंडर रूट यहाँ पे रूट टू का स्क्वायर, अब माइनस यहाँ पे आ जाएगा एक्स की वैल्यू हम रूट टू पुट करें तो रूट टू का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा प्लस रूट टू का स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स रूट टू बाई रूट टू। अब देखिए, हमने अपर लिमिट यहाँ पे पुट कर दी है, यहाँ पे एक ब्रैकेट हम यहाँ पे और लगा देंगे माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट देखिए, सबसे पहले अगर हम ये जीरो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो इसमें मल्टीप्लाई होके इसको भी जीरो कर देगा, पूरा ये टर्म जीरो हो जाएगा, एक्स यहाँ पे हम जीरो पुट करेंगे। अब देखिए, दूसरे में अगर एक्स साइन की वैल्यू हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो साइन जीरो जीरो होता है, लोअर लिमिट पे वैल्यू जीरो आ जाएगी, सिर्फ हमें अपर लिमिट हिसाब करना है, तो यहाँ से जाएगा फोर
देखिए ये भी टर्म जीरो हो रहा है, रूट टू का स्क्वायर तो ये भी जीरो आ जाएगा। पहला टर्म यहाँ से आ जाएगा टू, यहाँ पे आ जाएगा 2/2, और ये हो जाएगा साइन, यहाँ पे देखिए ये √2 था सॉरी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन इनवर्स तो ये हो जाएगा 1, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देख लेते हैं, इक्वल टू आ जाएगा 4 और साइन इनवर्स 1, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 1। अब यह साइन 1 साइन 90 डिग्री, मतलब साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो यहां से जाएगा 4 × π/2, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2π, 2π यहाँ पे एरिया हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिगर में, तो एरिया एबो और बिलो पूरा, मतलब ये जो इनक्लोज कर रहा है ये टोटल एरिया निकल आएगा। इस सर्किल की इक्वेशन दी है, इसके द्वारा जो एरिया इनक्लोज होता है वो यहाँ पे 2π आ जाएगा। ओके चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी कैसे हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक्स की वैल्यूज निकालनी होती है, जो यहाँ पे आई ±√2, उसके बाद हम ये बेसिक रूल अप्लाई करेंगे। अगर कोई कोई फंक्शन एफ एक्स है वाई इक्वल टू, और वो लाइन एक्स इक्वल टू एस टू एक्स इक्वल टू बी से घिरा हुआ है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ओके, तो सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पे एरिया आ जाएगा 2π। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये इस लेक्चर में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसे वीडियोज आते रहेंगे। धन्यवाद।